नमस्कार दोस्तों, न्यू नोटिफिकेशन आउट हुआ है वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से। तो चलिए इसका बाद डिटेल्स जानते हैं, और डिटेल्स जानने के लिए आपको इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहना होगा। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन देखिए, एलिजिबल कैंडिडेट्स को 1 ईयर के पीरियड के लिए अप्रेंटिस के लिए इन्वाइट किया जाता है। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए टोटल 101 वैकेंसीज है। क्वालिफिकेशन फुल टाइम डिग्री कोर्स BE, BTEC, AMIE माइनिंग इंजीनियरिंग में होने चाहिए। टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए टोटल 215 वैकेंसीज है। क्वालिफिकेशन फुल टाइम डिप्लोमा माइनिंग इंजीनियरिंग में या फिर माइनिंग एंड माइन सर्वेइंग में होने चाहिए। एप्लीकेंट्स एलिजिबल नहीं होंगे अगर इसमें से एक भी कंडीशन फॉलो करता है। तो जो कैंडिडेट्स 28/2/2020 के पहले पास आउट हुए हैं वो कैंडिडेट्स अप्रेंटिस के लिए एलिजिबल नहीं है। जो कैंडिडेट्स प्रीवियस ट्रेनिंग कर चुके हैं वो कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। जो कैंडिडेट्स प्रजेंट में अप्रेंटिस ट्रेनिंग कर रहे हैं वो कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं हैं। जो कैंडिडेट्स कहीं पर वर्क कर रहा है वो भी कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। हु इज़ अंडरगोइंग एनी रेगुलर कोर्स ऑफ स्टडी एज रेगुलर कैंडिडेट फ्रॉम एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वो कैंडिडेट्स भी एलिजिबल नहीं हैं। हु हैव बीन प्रोवाइडेड विद 1 ईयर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आफ्टर कम्प्लीटिंग क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन डिग्री या डिप्लोमा इन एनी टाइम। देखिए, डिग्री या डिप्लोमा कम्प्लीट करने के बाद 1 ईयर का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग किए हुए हैं वो कैंडिडेट्स भी इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। हु हैव नॉट कम्प्लीटेड एज ऑफ 18 ईयर्स, जिन भी कैंडिडेट्स का 18 ईयर्स नहीं हुआ है वो कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। और जो कैंडिडेट्स मेडिकल फिट नहीं हैं वो कैंडिडेट्स भी इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। अब देखते हैं स्टिपेंड। तो देखिए, ग्रेजुएट अप्रेंटिस को 9,000 पर मंथ स्टिपेंड दिया जाता है। टेक्नीशियन अप्रेंटिस को 8,000 पर मंथ स्टिपेंड दिया जाएगा। इसमें किसी भी तरह का बेनिफिट्स नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। ट्रेनिंग का पीरियड 12th मंथ का होगा। ओके, रिजर्वेशन के रिगार्डिंग आप यहाँ से देख सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस को आप यहाँ से देख सकते हैं। अब देखते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर। तो देखिए, फर्स्ट प्रायोरिटी महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश स्टेट के NATF एनरोलमेंट नंबर के कैंडिडेट्स को दिया जाएगा। ओके, सेकेंड प्रायोरिटी गुजरात, छत्तीसगढ़, गोवा, दामन दीव, जो भी BOAT मुंबई से हैं वो कैंडिडेट्स को सेकेंड प्रायोरिटी दिया जाएगा। थर्ड प्रायोरिटी अदर स्टेट्स के कैंडिडेट्स को दिया जाएगा। सिलेक्शन देखिए, जिन भी क्वालिफिकेशन को आप ऑब्टेन किए हैं माइनिंग में डिग्री, उसके परसेंटेज के बेसिस पे शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और एज के बेसिस पे। ओके, देखिए, अगर परसेंटेज सेम रहा तो जिन भी कैंडिडेट्स का एज ज़्यादा हो रहा है वो कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ओके, शॉर्ट लिस्ट करने के बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा एंड देन मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। ओके, ये दो चीज़ वेरिफिकेशन के बाद कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग करवाया जाएगा। ओके दोस्तों, आप चाहे तो यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस को भी रीड कर सकते हैं। अब देखते हैं शेड्यूल। तो देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन 7/12/2022 से 22/12/2022 तक अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको इस वीडियो से हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। फॉर दैट, जब भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड न्यू नोटिफिकेशन आउट होगा देन सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और दोस्तों, अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर डायरेक्टली आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।